भाषा विवाद पर बुरी तरह भड़के जर्सी एक्टर नानी बोले, भाषा अलग हो सकती है लेकिन देश एक है। देश में भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर अब जर्सी के एक्टर नानी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पिछले कुछ हफ्तों से नॉर्थ वर्सेस साउथ को लेकर भारतीय सिनेमा में चर्चा चल रही है। यह चर्चा तब से शुरू हुई जब KGF 2 और RRR जैसी साउथ की फिल्मों ने बॉलीवुड की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पटकनी दे डाली। अजय देवगन, किच्चा सुदीप जैसे कई फिल्मी सितारों ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहने को लेकर अपनी अपनी राय रखी। अब इसी बीच सुपरस्टार नानी ने इस मामले पर अपनी बात रखी है। नानी का कहना है कि भाषा के जरिए लोगों को विभाजित करना बहुत ही बेहुदा है। मीडिया से बातचीत के दौरान नानी ने कहा कि यह विभाजन बेहुदा है, अभी जो भी हो रहा है सिनेमा उससे जीत रहा है। हम खुद को बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड का नाम दे देते हैं। यह नाम ऐसे है जिन्होंने हॉलीवुड से लिया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि हम क्यों खुद को अलग अलग इंडस्ट्री का बताते हैं। भाषा अलग हो सकती है लेकिन हम एक राष्ट्र के हैं। इसके साथ ही नानी फिल्मों को पैन इंडिया फिल्म्स का दर्जा दिए जाने पर भी बात की। नानी ने बताया कि पैन इंडिया फिल्मों का असली मतलब क्या होता है। नानी ने कहा कि अगर कोई फिल्म बहुत ही शानदार होती है और वो पूरे भारत में अपनी एक अलग छाप छोड़ती है तो वो पैन इंडिया फिल्म होती है। ये नाम इसीलिए नहीं है कि हम हर जगह फिल्मों को रिलीज करते हैं। जिस फिल्म को हर जगह दर्शकों द्वारा पसंद किया जाता है वो असल मायने में पैन इंडिया फिल्म होती है। हमें फिलहाल शानदार फिल्में बनाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि देश भर के दर्शक उन्हें पसंद करें। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से देश की एक भाषा हिंदी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। साउथ एक्टर किच्चा सुदीप ने अपने एक इवेंट पर हिंदी को लेकर एक बात कह दी थी जिसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ। इसके बाद किच्चा सुदीप को जवाब देते हुए अजय देवगन ने कहा था कि अगर हिंदी से इतनी ही परेशानी है तो आप लोग हिंदी में अपनी फिल्में क्यों रिलीज करते हैं। इसके बाद दोनों के बीच ट्विटर पर काफी बहसबाजी भी हुई। अजय और किच्चा के इस ट्विटर वॉर के बाद साउथ और नॉर्थ के कलाकार बटे हुए नजर आए। हर किसी ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात भी रखी थी। फिलहाल नानी के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म अंटे सुंदर निकी ने 11 जून को ही सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म में नानी के अलावा नाजरिया नजीम भी अहम भूमिका में है। इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म की सक्सेस को लेकर हाल ही में हैदराबाद में एक पार्टी का भी आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।